तो आप ध्यान से देखेंगे कि और सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कही है तो संघ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और संघ की प्रतिक्रिया क्या आई कि वह सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है। यानी जिसको उदयनिधि स्टालिन उखाड़ने जड़ उन्मूलन की बात कर रहे हैं, संघ कहता वो तो कोई धर्म नहीं। सनातन के मूल विचार को ही संघ फेंक चुका है और इसलिए वो कह रहा कि सनातन कोई धर्म नहीं है। और ये वो अभी नहीं कह रहा, पुणे में भी आयोजित संघ के जो अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई थी उसमें ये बात कही गई अभी अभी, और सिर्फ अभी मुंह से निकल गया होगा नहीं। मैं संघ की एक पुस्तक पढ़ रहा था हिंदुत्व, ये संघ का इसी साल पब्लिश हुआ है, इसमें मोहन भागवत से लेके मनमोहन बैद से लेके सबके विचार हैं हिंदुत्व पे। कहीं भी संघ सनातन धर्म नहीं बोलता, सनातन धर्म से संघ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, और उसका पूरा हिंदुत्व जियो पोलिटिकल सोशियो अवधारणा है, उसमें धर्म नहीं। धर्म विहीन भारतीय समाज की इस परिकल्पना में संघ सबसे आगे है। इसलिए संघ देवी देवताओं की मूर्तियों को छोड़ने की बात करता है 50 साल के लिए, और संघ एक निष्प्राण भारत माता की कल्पना कर लेता है। संघ गुरु शिष्य परंपरा को ध्वस्त करता है और संघ एक निष्प्राण ध्वज को गुरु मान लेता है। बड़े ही तरीके के साथ जो अगर आप देखेंगे तभी संघ को सनातन से एलर्जी है। और जब उदयनिधि के बयान का विरोध करने आया तो भी सनातन को एलर्जी कह दिया, और अब सनातन कोई धर्म ही नहीं है ये बात कह दिया। यानी सनातन धर्म की मूल विचारधारा से संघ को इस हद तक एलर्जी है कि वो हिंदुत्व की अपनी चाशनी में हिंदुओं के को मतिभ्रम का शिकार बनाए हुए है, और उसके हिंदुत्व में जियो पॉलिटिकल सोशल अर्थात जियो जियोग्राफिकल आसेतु हिमाचल कहते हुए सिंधु समुद्र तक जो आते हैं, यानी उसमें रहने वाला सब हिंदू है, जो इनकी थ्योरी है मुस्लिम भी हिंदू है, यानी असुर और देव एक तराजू पे खड़े, युधिष्ठिर दुर्योधन एक तराजू पे खड़े हैं, विभीषण रावण एक तराजू पर खड़े हैं, देवता और दानव एक तराजू पे खड़े हैं संघ के इस पूरे हिंदुत्व की अवधारणा। तो ज्योग्राफिकल उसकी ये अवधारणा है, सोशियोलॉजिकल उसकी अवधारणा है, कोई किसी भी मत पंथ को माने वो सब हिंदू है। अब जिस मत पंथ में रोज सुबह नारा काफिरों के विनाश का दिया जाता है वो कैसे हिंदू हो सकता है, सोशियोलॉजिकली। और सोशियोलॉजिकली जो हिंदू सभ्यता संस्कृति मुस्लिमों में थी और जिसको जमात ने खुरेच कर हटाया, उसको संघ ना सिर्फ सर पे बैठाता है बल्कि संघ के जिस सरकार वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार था उसको पद्म भूषण विभूषण सब देते हैं, पद्म पुरस्कार देते हैं। यानी हिंदुत्व से जो इस्लाम से जो हिंदुत्व को हटा रहा है, और संघ फिर कंफ्यूजन करता है कि आके सोशियो अवधारणा है ये, यानी सब है किसी भी मत संप्रदाय को मानने वाले वो हमारे विनाश की बात कर रहे हैं। कल जन गणेश चतुर्थी में आंध्रा में एक पादरी खड़ा हो गया और उसने गणेश चतुर्थी बंद करा दी कि उसके कान फूट रहे हैं, और रोज 5 बजे हमारे कान फूटते हैं उसमें हमें कहा जाता है चुप चुप चुप, जब उनके कान फूटने लगते हैं तो प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, ऐसे करके चल रहा है उनका, हम चुप हो जाते हैं, और हमारे गणेश चतुर्थी बंद कराइए। गणेश चतुर्थी के पंडाल पे कई जगह मलेच्छों ने हमले किए, और संघ कह रहा है सामाजिक रूप से मेक है, और फिर पॉलिटिकल, और ये पॉलिटिकल भाजपा को सत्ता दिलाने के लिए, तो सब एक होकर वोट कीजिए, पसमांदाकरण कीजिए ताकि भाजपा ही सत्ता में रहे। इसलिए संघ हिंदुओं को जो भ्रमित कर चुका अब वो मुस्लिमों को भ्रमित करने निकला है, पसमांदाकरण करने निकला है। तो जियो सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल यही इनका हिंदुत्व है, इसलिए निष्प्राण आध्यात्मिक रूप से निष्प्राण, धर्म रूप से निष्प्राण, और सनातन विचार के विचारों से निष्प्राण संघ उस
सनातन धर्म को, मतलब इससे निष्प्राण चीजों को वो हिंदुत्व में अपने शामिल करता है, लेकिन सनातन धर्म को नहीं मानता। तो आज मैं आपको इसको प्रमाण के साथ दूंगा कि संघ कैसे हिंदुओं को गुमराह कर उसका शत्रु बोध छीनकर और उसका धर्म उससे छीनकर और धर्म विहीन व्यक्ति के दिमाग में मलेच्छवाद भरना बहुत आसान है। जैसे दुर्गा मां का हथियार छीन लिया और उनको एक झंडा पकड़ा दिया और कहा ये भारत माता है पूजो, जबकि भारत पुल्लिंग है राजा भरत के नाम पे। तो किस तरह से स्नेह स्नेह ये अब क्लियर होता जा रहा है कि ये ब्रिटिशर्स उपनिवेशवादी शक्तियों का आखिरी मोहरा है जो हिंदू धर्म को मिटाने के लिए चला गया था, और इसी ने हिंदू महासभा को मिटाया, सावरकर जी को अकेला किया, जनसंघ की स्थापना करके हिंदू महासभा को मिटाया, कर्पात्री जी के रामराज परिषद को मिटाया, शंकराचार्यों के सारे जो पद हैं मठ हैं उनको मिटाया, अखाड़ों से शंकराचार्यों को संस्कृति दिलाना शुरू किया, नकली शंकराचार्य खड़ा करना शुरू किया और नकली तथाकथित बाबाओं की भीड़ पैदा कर दी। स्नेह स्नेह हमारे से जो धर्म छीना जा रहा है, छीजा जा रहा है, संघ उसका नेतृत्व कर रहा है, संघ की पार्टी उसका नेतृत्व कर रहा है। इसलिए मंदिर और मूर्तियों का, विग्रहों का, मंदिरों का विनाश संघ के लिए बहुत मामूली बात है, गोमांस का भक्षण संघ के लिए बहुत मामूली बात है, जबकि इसी मंदिर को बचाने में कितने हिंदू अब खेत हो गए, उनके गले कट गए। इसी गौ को बचाने के लिए राणा सांगा, जब लड़ने बाबर ने गौ आगे कर दिया, राणा सांगा को की हार में एक बड़ा कारण था, तो जो लोग लड़े आज उनको भुलाकर संघ कहता है गाय का मांस खाइए, और गाय के मांस मिथुन का, गोवंश के मिथुन का मांस निर्यात करने के लिए कानून ले आता है। इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, मैं शास्त्र लेकर बैठा हूं तो आपको बारीकी से उसको समझाऊंगा मैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करेंगे तो आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा, सच लोगों तक पहुंचेगा, कमेंट करेंगे तो आपको YouTube लगातार वीडियो भेजेगा, सब्सक्राइब करिए और कराइए, इसलिए शेयर करिए, ज्वाइन बटन से आप चैनल को बचाए रखिए ताकि आपकी पत्रकारिता जीवित रहे, और कंटेंट का एक छोटा मूल्य चुकाइए। अब तो ट्विटर कह रहा है कि अब सबसे पैसे लेने वाला है, जो हम इतने दिन से कह रहे हैं, कंटेंट का छोटा सा मूल्य जरूर चुकाइए 100 रुपीज पर मंथ का, क्योंकि उसके बिना प्लेटफॉर्म स्वतंत्र नहीं रह सकते। मीडिया पर सरकार और कॉरपोरेट का इतना बड़ा बम्बार्ड है कि पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं हो सकती। जिसको स्वतंत्र पत्रकारिता चाहिए उसके लिए छोटा सा मूल्य उसको चुकाना होगा कंटेंट का, इसलिए आपके डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट और स्क्रीन पर डिटेल है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो मैं क्रमबद्ध तरीके से चलता हूं। सबसे पहले उदयनिधि स्टालिन का आज फिर एक बयान है सनातन धर्म पे हमला करते हुए। वो बयान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिनम को तो बुलाया, यहां एक आधा सच बोला ही, अधिनम भी एंटी हिंदू वाले मूवमेंट को ही चलाता रहा है। तो अधिनम को तो बुलाया लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, क्योंकि राष्ट्रपति महिला विधवा है, क्योंकि वो और आदिवासी हैं, इसलिए नहीं बुलाया। इसलिए मैं सनातन धर्म पे बयान देता हूं, और ये बात स्टालिन ने कहा, ये जो कहा आपको दिखाता हूं मैं, आपको बहुत धीरे धीरे मैं ले चलूंगा चीजों में, थोड़ा डीप स्टडी में। तो कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी समुदाय थे और विधवा है। क्या यही है सनातन? क्या यही है सनातन? इसने हमला किया, और आपको पता है कि विधवा होने के बावजूद दशरथ की रानियां कुंती सभी चीजों में भाग लेती थी, रंगशाला में बैठी थी जहां पुत्रों का रंगमंच सजा था, शस्त्र परीक्षण चल रहा था, वो थी। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम के राज्याभिषेक में तीनों माताएं शामिल हुई उस शुभ मुहूर्त में, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा,
तीनों शामिल हुई। तो हमारे लिए जो कृष्ण और राम, महाभारत और रामायण दोनों जो आदर्श हैं, उस आदर्श में कहीं विधवा को शुभ बात से दूर नहीं रखा गया। तो उदय नीति स्टालिन ने फिर मुंह से गोबर किया अपनी जानकारी न होने के कारण। और वनवासी की बात है तो हमारे यहाँ तो निषाद राज, निषाद जाति ही रही, निषाद राज। और निषाद एकलव्य के पिता हिरण्यधनुष सेनापति थे, तो महल की क्या बात हो, तो महल के पूरे राज्य के सेनापति थे वो, मगध राज्य के। और निषादराज भगवान राम के मित्र थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। तो उदयनिधि स्टालिन फिर से गोबर किया। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन का जो बयान था कि वो सनातन को डेंगू, कंकड़, मच्छर इस तरह से उन्मूलन करना चाहता है, ये बात आपको करोना की तरह इसको खत्म करना चाहता है चीजें जो है, उसने ये बात कही। इसका विरोध करते हुए बीजेपी में जो संघ से आते हैं महामंत्री बीएल संतोष, उन्होंने सनातन की तुलना इन्फेक्शन से कर दी थी। आपको दिखा रहा हूं मैं आगे ले जाके, जब कहा ये खड़गे का बेटा है, इसने भी कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है और उसने हिंदुत्व को कभी क्लेम नहीं किया। जो हिंदुत्व का क्लेम कर रहा हूं उस पर मैं बता रहा हूं आपको। तो आगे करो, अकॉर्डिंग टू यू पीपुल देयर इज नो, बड़ा करना जरा, क्वालिटी इन सनातन धर्म इंसान, देन व्हाई डोंट यू कन्वर्ट द एंटायर कांग्रेस टू क्रिश्चियनिटी इस्लाम। ये तो मेरा बयान है, मेरा बयान है ये, उनका बीएल संतोष का बयान दिखाओ, बीएल संतोष का बयान। सो इफ देयर इज ए इन्फेक्शन इन समबडी स्टोमक यू चॉप ऑफ द हेड, यानी सनातन धर्म इन्फेक्शन। ये कहा भारतीय जनता पार्टी का महान मंत्री जो संघ से आता है।